दोस्तों डायबिटीज वर्ल्ड में एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है जो ज्यादातर लोगों में खराब लाइफस्टाइल और खराब डाइटरी हैबिट्स की होने की वजह से हो रही है। ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है और ये बीमारी साइलेंट किलर की तरह है जो शरीर को अंदर से खत्म करती है। काफी बार बॉडी में हो रहे चेंजेस को इग्नोर करने के कारण ये बीमारी काफी गंभीर रूप ले लेती है। चलिए आज जानते हैं कि डायबिटीज क्या होती है, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और डायबिटीज का डायग्नोसिस किन जांचों से किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस आखिर क्या बीमारी होती है। दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें हमारी बॉडी में शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो पाता है, यानी शुगर मेटाबॉलिज्म हमारा बिगड़ जाता है। और इसका कारण ये है कि जो बॉडी में रिलीज होने वाला इंसुलिन हार्मोन है जो शुगर का मेटाबॉलिज्म कराता है उसका प्रोडक्शन या तो गड़बड़ा जाता है या फिर इंसुलिन हमारे शरीर में सही से काम नहीं कर पाता है और इसकी वजह से जो ब्लड में शुगर की मात्रा है वो दोस्तों बढ़ने लग जाती है और यही बढ़ी हुई शुगर हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, हार्ट, लिवर, हमारी आंखें इनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है और जिससे पेशेंट को काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को दोस्तों जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चों को और कम उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा होती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं जहां से इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और जिसके कारण इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, जबकि दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस मोस्टली मिडिल एज ग्रुप के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी डायबिटीज है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से दोस्तों होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है दोस्तों इंसुलिन का प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना। इंसुलिन के बॉडी में सही से नहीं काम करने के कारण ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो पाता है और जिसके कारण जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। इसलिए डॉक्टर टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइटरी चेंजेस करने की एडवाइस देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डायबिटीज के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। दोस्तों डायबिटीज किसी को भी हो सकती है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। पहले जानते हैं बच्चों में इस बीमारी के क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर बच्चा बार बार बेड गीला कर रहा है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में बेड वेटिंग बोलते हैं, या फिर बच्चे का जो वजन है वो बहुत कम हो रहा है, या फिर बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, उसे प्यास ज्यादा लग रही है, ऐसे सभी सिम्टम्स में हमें तुरंत अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं बड़े लोगों में इस बीमारी के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। अडल्ट्स में डायबिटीज के लक्षण होते हैं गला सूखना, प्यास ज्यादा लगना, बहुत ज्यादा वेट लूज होना, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, देखने में दिक्कत होना या हाथ पैरों में सूनापन महसूस होना। दोस्तों 50% डायबिटिक पेशेंट में कोई भी साइन या सिम्टम शो नहीं होता है। इसलिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जिन पेशेंट का BMI मोर देन 25 हो, जिनकी फैमिली में पहले से डायबिटीज की हिस्ट्री हो, या फिर वो महिलाएं जिन्हें PCOD की समस्या हो, इन्हीं सभी में डायबिटीज की स्क्रीनिंग इन्हें करवानी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस का कैसे पता किया जाता है और किन टेस्ट से डायबिटीज मेलाइटस का डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है। दोस्तों सबसे पहला टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, जिसे FBS टेस्ट भी कहते हैं। इसमें पेशेंट के ब्लड सैंपल को यूज किया जाता है और इसमें पेशेंट को एटलीस्ट 8 घंटे की 8 आवर्स की फास्टिंग रखनी होती है, यानी कि पेशेंट को रात भर कुछ भी नहीं खाना ना कुछ पीना होता है और उसके बाद मॉर्निंग में पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल पर इस टेस्ट को किया जाता है। नॉर्मल पर्सन में फास्टिंग ब्लड शुगर का रेंज होता है लेस देन 100 mg/dL, प्री डायबिटिक्स में 100 to 125 mg/dL के बीच में होता है और डायबिटिक पेशेंट में इसका लेवल होता है मोर देन 125 mg/dL। दोस्तों अगला टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसे शॉर्ट में OGTT भी कहते हैं। दोस्तों इस टेस्ट को 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें पेशेंट को एक स्पेशल स्वीट ड्रिंक पिलाई जाती है जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और इसके 2 घंटे बाद पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ये टेस्ट उन पेशेंट में किया जाता है जिसमें पहले से डायबिटीज का पता ना हो। नॉर्मल पर्सन में OGTT टेस्ट की जो वैल्यू है वो लेस देन 140 मिलीग्राम पर डीएल होती है। प्री डायबिटिक्स में 140 टू 199 मिलीग्राम पर डीएल होता है और डायबिटिक पेशेंट में ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डीएल होता है। दोस्तों अगला टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। कई बार दोस्तों पेशेंट अपनी जॉब प्रोफाइल के कारण फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये नहीं करा पाते हैं, तो वो लोग रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं क्योंकि इस टेस्ट में हम कभी भी शुगर का सैंपल ले सकते हैं। और अगर पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स आ रहे हैं और उनका RBS टेस्ट मोर देन 200 मिलीग्राम पर DL है तो उससे ये हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है। दोस्तों अगला टेस्ट है HbA1c टेस्ट। इस टेस्ट से हम पिछले 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर का पता लगा सकते हैं। इस टेस्ट में फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये टेस्ट कभी भी किया जा सकता है। नॉर्मल पर्सन में HbA1c 4-5.6% होता है, प्री डायबिटिक में 5.7-6.4% के बीच में होता है और डायबिटिक पेशेंट में ग्रेटर देन 6.5% होता है। अगर इन सभी जांचों के बाद पेशेंट के अंदर डायबिटिक्स मेलाइटस कंफर्म होता है तो पेशेंट को किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या फिर जनरल फिजिशियन को या फिर डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए जिससे कि डायबिटीज कंट्रोल हो सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों आपको मीठा कम खाना चाहिए, शक्कर से भरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन इसको करने से बचें, हमेशा एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम टहलने जाएं, पानी ज़्यादा पिएं, मीठे शरबत और सोडा वाली ड्रिंक को पीने से आप बचें, आइसक्रीम और कैंडीज को अवॉइड करें, आप वजन घटाएं और वेट कंट्रोल पर ध्यान रख दें, स्मोकिंग और अल्कोहल को आप अवॉइड करें, हाई फाइबर डाइट खाएं और प्रोटीन का इंटेक आप ज्यादा करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी डायबिटीज के बारे में। अगर डायबिटीज के पेशेंट के डाइट प्लान के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप राइट में दिए वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों से लाइक जरूर करें और ज्यादातर शेयर करें। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक रिलायबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल द डॉक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।